I now request our next speaker. मित्रों, मैं हैरान था जब मुझे इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया गया, क्योंकि न तो मैं धर्मशास्त्र को जानता हूँ, ना उस पर मैंने कभी विचार किया, और उसके जो साथ के जो भी विषय हैं, जो क्षेत्र हैं, उनमें मेरा कोई काम नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूँ। अब ये संयोग है कि वो जो कथाएं हैं उनमें वो लोग आ गए जिनको धर्म में गूंज रही है मेरे ख्याल आवाज़। आपको साफ आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? ठीक है, हाँ। यदि आपको मतलब कई बार ये होता है कि गूंज रही तो गूंजने देना, मुझे कौन सा समझना है, तो वो नहीं होना चाहिए, समझ में बात आनी चाहिए। तो जो बात आरिफ जी ने कही कि सबसे पहले व्यास की बात हम करें, कि व्यास का ये कहना कि सारे धर्मों का निचोड़ ये है कि दूसरे को का हित किया जाए वो धर्म है, दूसरे का अहित किया जाए वो पाप है। लेकिन एक उक्ति मुझे और भी याद आती है जिसमें ये कहा गया कि इतने लोग हैं, इतने शास्त्र हैं, इतने पंडित हैं, इतनी क्या कहें कि सिद्धांत हैं, किसको माने, किसकी बात सुने? तो उसका उत्तर एक ही है कि महाजन जिस मार्ग से जाएं उस मार्ग पर चलो। हमारे यहाँ जो एक बात आरंभ में कही गई, मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि रिलीजन का अनुवाद धर्म किया गया। नो, धर्म को उन्होंने रिलीजन कहा, हम धर्म को रिलीजन के अर्थ में नहीं लेते। ये जब अंग्रेजी आई होगी और उन्होंने उसका अनुवाद किया होगा तो उन्होंने धर्म को रिलीजन कहा, हमने रिलीजन को धर्म आज तक नहीं कहा। देखिए, जब धर्म की बात आती है तो मुझे लगता है कि एक बिल्कुल साधारण स्तर पर उसका जो प्रयोग है कि आग का धर्म है जलना, इसमें किसी तरह की और कोई बात नहीं है, एक बिल्कुल वैज्ञानिक सत्य कहा गया। विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, इसका धर्म है ये, तो ये धर्म का एक रूप है, ये धर्म शब्द का एक अर्थ है, ये रिलीजन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इतने पंथ हैं उनको वो धर्म मानते हैं, जिसका जो पंथ है वो कहता है मेरा ये धर्म है और मैं इसी पर चलूँगा। इतनी उपासना पद्धतियाँ हैं कि आप जिसकी पूजा करते हैं आप उसी को मानते हैं कि यही धर्म है, इसी धर्म पर चलना चाहिए। इतने तरह की मतलब अब जो धर्म, धर्म के नाम पर बड़े बड़े जो विभाजन किए गए, हिंदू मुसलमान ईसाई इत्यादि, उसमें भी हिंदुओं में भी या हर धर्म में, इस्लाम में भी, ईसाइयों में भी, यहूदियों में भी होगा, मुझे मालूम नहीं है, बहुत सारे पंथ हैं, अलग 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 पंथ हैं। और जो पंथ हैं, यहाँ तक ये होता है कि हिंदुओं में या ईसाइयों में, जब मैंने विवेकानंद के विषय में पढ़ा कि वो जब गए थे अमेरिका तो वहाँ उस शिकागो के उस सम्मेलन में इतने ईसाई चर्च थे और वो एक दूसरे के शत्रु थे, वो स्वयं को ही ईसाई मानते थे, दूसरे को मानते नहीं थे। उसी तरह से हर धर्म में इतने सारे पंथ इकट्ठे कर दिए गए हैं और अपनी अपनी इष्ट देव, अपनी अपनी उपासना पद्धति, वो लोग उसको धर्म कहते हैं, मानते हैं कि वही धर्म है। लेकिन जब विवेकानंद की बात हम करते हैं, विवेकानंद ने का एक वाक्य मुझे याद है
कि शालिग राम की बटिया से लेकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म तक जो जिसकी भी उपासना करता है वो सत्य है। हम उसको सत्य कहते ही नहीं, वो कहते हैं हम उसको सत्य मानते हैं। जब वो शिकागो में गए थे, उन्होंने अपना परिचय देते हुए ये कहा कि भारत में शिव महिम्न स्तोत्र पढ़ा जाता है हर घर में। हर घर में तो आजकल नहीं पढ़ा जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जिस तरह से जल कहीं से भी उतरे बहे, उबड़ खाबड़ होता हुआ, उल्टा सीधा, टेढ़ा मेढ़ा, सीधा, जहाँ से भी जाए, जिस मार्ग से भी जाए, वो अंततः समुद्र में जाकर के मिलता है, उसी तरह से कोई किसी देवता की, किसी उपासना पद्धति की, किसी इष्ट देव की पूजा करे, अंततः वो तुमको ही प्राप्त होती है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये एक रूप पूजा उपासना का जो उन्होंने कहा, हम उसको माने तो लगता है कि कोई भेद कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हर व्यक्ति के अपने स्वभाव से, स्वभाव इस शब्द पर विचार कीजिएगा, गीता में कृष्ण ने कहा कि जन्म के समय जो प्रकृति या जो स्वभाव मैंने तुमको दिया है, उस स्वभाव के अनुसार ही आप अपना इष्ट देव चुनते हैं, अपनी सेवा, अपनी उपासना पद्धति चुनते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, उसके लिए कोई आपको कुछ भी बाध्य नहीं कर सकता। तो धर्म के ये एक अच्छा, एक चीज़ और मुझे लगती है कि आप जहाँ जाते हैं, चाहे वो चादर चढ़ाने जाते हों, चाहे माला चढ़ाने जाते हों, चाहे माथा टेकने जाते हों, जो भी, मैं हो सकता है कि मेरा निष्कर्ष ये गलत हो, लेकिन अधिकांशतः ये है कि आप अपने लिए कुछ मांगने जाते हैं। उसमें ईश्वर की पूजा कम है, देवी देवता की पूजा कम है, आप अपने लिए कुछ मांगने जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जब धर्म की बात हम करें तो हमको ये सोचना चाहिए कि धर्म की आवश्यकता क्या है। आप देखें, एक व्यक्ति है दत्त, जो अत्रि मुनि का पुत्र है, इसलिए अत्रि से आत्रेय और दत्तात्रेय, दत्तात्रेय एक दूसरा रूप भी है, लेकिन ये भी एक दत्तात्रेय है, जो एक अवधूत गीता उन्होंने लिखी है। वो क्या कहते हैं कि कौन है जिसकी मैं पूजा करूं? मैं ही तो हूं, इस सृष्टि की को मैंने बनाया, मैं किसके सामने सिर झुकाऊं? जो कुछ भी है, सूर्य को मैंने बनाया, सृष्टि को मैंने बनाया, किसी की पूजा करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। ये अवधूत क्या कह रहा है? इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि वो मुक्त आत्मा है, जो दिव्य तत्व का अंश है, जो आरिफ जी ने कहा ना, जो मुझ में है वही तुम में, जो वो मुझ में जो है वही आत्मा, वही परमात्मा। इसलिए जब आप उसका अनुभव करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, अपने को उसी रूप में देखते हैं, तो आप कहते हैं मैंने ही तो बनाया है ये सृष्टि, और किसने बनाई है, किसी और की पूजा उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। ये आत्मा का मुक्त रूप है। भाई एक कोई पानी पीने को दे रहे थे, मुझे नहीं दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन नहीं दिया तो नहीं दिया, अब क्या करें, मांग लेते हैं, लो भैया पानी पिला दिया आप लोगों ने। दूसरी ओर जनक हैं जो अष्टावक्र से पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे सृष्टि, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, और अष्टावक्र कह रहे हैं कामना त्याग और मुक्त हो जा,
कोई तपस्या नहीं, पूजा नहीं, योग नहीं, साधना नहीं, कामना त्याग और मुक्त हो जा। जब इन दोनों को हम आमने सामने रखते हैं, जो पहले दत्तात्रेय की बात है और इसकी, तो मुझे लगता है कि एक आत्मा मुक्त थी जो बंधन में बंध गई, और उसको मुक्त होने के लिए कोई मार्ग चाहिए, उसी की खोज कर रहे हैं वो। और अष्टावक्र ने बहुत साधारण बात कही, आत्मा त्याग, कामना त्याग और मुक्त हो जा। महात्मा बुद्ध को देखें तो उन्होंने दुख को देखा, बीमार को देखा कहते हैं, मृत्यु को देखा, यानी दुख को देखा, तो उन्होंने कहा कि जीवन दुखमय है, दुख का कारण है, उस कारण को दूर किया जा सकता है, दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। और अंततः जो निष्कर्ष उन्होंने दिया ये था कि हम अपने अज्ञान के कारण दुखी हैं, इसलिए अज्ञान से मुक्त होने के मार्ग खोजो। महावीर ने ओम नमो अरिहंताम, अरिहंताम जो शत्रुओं को मार चुके उनको नमस्कार करते हैं। शत्रु कौन से हैं? अपने भीतर, काम क्रोध लोभ मोह, शत्रु बाहर के शत्रु नहीं हैं। यानी उन्होंने भी पहचाना कि मेरे भीतर जो है, जो आत्मा है, जो ईश्वर का रूप है, जो ईश्वर का रूप नहीं, ईश्वर का तत्व है, उसको घेर लिया है इस काम क्रोध लोभ मोह ने, इसलिए उससे मुक्त होना, इन अरियों को, इन शत्रुओं को मारना आवश्यक है। और उसके लिए मार्ग उन्होंने तपस्या का चुना। वैसे तो ये बात मुझे पहले कहनी चाहिए थी कि कई लोगों ने धर्म को जो माना है, एक एक तत्व को माना है, जैसे इन्होंने कहा अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके बाद की चीज़ लोग छोड़ देते हैं कि हिंसा धर्म च, कि हिंसा भी धर्म है, उसकी भी ज़रूरत होती है। लेकिन खैर, अहिंसा, एक जैन मुनि ने एक उपन्यास लिखा, आपको मालूम है कि वो लोग बहुत लिखते पढ़ते हैं, एक उपन्यास लिखा और अपने किसी शिष्य के माध्यम से मुझे पकड़ा। कौशल्या ने कहा कि अगर पिता ने आज्ञा दी है वन जाने की, तो माँ
लेकिन वो बोले कि माँ वन जाने में मेरा अभ्युदय है। अब यहाँ मुझे लगता है कि कहीं भी पिता ने आज्ञा तो दी नहीं है, फिर भी लगातार तब से आज तक हम कह रहे हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करने गए। वस्तुतः पिता जिस स्थिति में फंस गए थे उसमें उनकी आज्ञा दिए बिना ही उसका पालन करने से वो उससे मुक्त हो सकते थे। हमारे यहाँ कहा गया कि उत्तम पुत्र और उत्तम शिष्य वो है जो आज्ञा के बिना ही आज्ञा का पालन करता है, मध्यम वो है जो आज्ञा देने पर पालन करता है, और अधम वो है जो आज्ञा देने पर भी पालन नहीं करता। यही बात महाभारत में युधिष्ठिर ने की कि धृतराष्ट्र पिता भी है राजा भी है। आपको मालूम होगा कि महाभारत में चाचा ताऊ नहीं है, परिवार ऐसा है कि पिता है तो पिता ही है, माताएं हैं सारी माताएं हैं, उनमें कोई भेद नहीं। तो जब वो कहता है कि द्यूत के लिए बैठो और बावजूद उसका विरोध करने के पूरा अध्याय शकुनी से तर्क करके कि द्यूत नहीं खेलना चाहिए, विदुर के भी मना करने पर, केवल इसलिए कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं कहीं कहा जाएगा तो खेलूंगा, ये भी आज्ञा का पालन। इस तरह से एक एक तत्व को भी लोगों ने धर्म मान करके उसका आचरण किया। वस्तुतः मैं कहता हूँ वो तपस्या है। तपस्या जब आप करते हैं तो किसी एक तरह से कि अंडे नहीं खाऊंगा तपस्या है, एक टांग पर खड़ा रहूंगा तपस्या है, और भी कई तरह की तपस्याएं हैं, तो ये तपस्याएं तपस्याओं के रूप है। मैं पहुंचा था जहां महात्मा बुद्ध ने खोजा कि ये मार्ग है, उनको कष्ट था, उस उनको नहीं उनको भी था मानवता को भी था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने ये मार्ग खोजा। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जो आलिष्णी जी ने जो बात कही थी कि हर जीव को शिव मान कर उसकी सेवा कर, हर जीव को शिव मान कर उसकी सेवा कर और उसके प्रति कृतज्ञ हो कि उसने तुझे सेवा का अवसर दिया। ये सेवा के माध्यम से धर्म को प्राप्त करना है, सेवा के माध्यम से अपने आप को मुक्त करना है। जो वो महात्मा बुद्ध जिस मार्ग से अपने आप को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, या महावीर ने जो विवेकानंद ने भी कहा कि महावीर जो है जैन धर्म जो है वो ईश्वर को जाने न जाने मनुष्य को जानता है। मनुष्य को जानने का मतलब आत्मा को जानना, आत्मा को जानने का मतलब परमात्मा को जानना। इसलिए वो रामकृष्ण परमहंस ने सेवा के माध्यम से आगे बढ़ने की बात की, लेकिन ये भी कहा साथ में कि धार्मिक होने का अर्थ मूर्ख होना नहीं होता। जो धर्म के नाम पर जो सारे काम होते हैं, अगर वो कहते हैं कि मूर्ख होना नहीं होता, यानी और विवेकानंद उसको कहते हैं जो तर्क से सिद्ध नहीं होता वो धर्म नहीं होता। जो हमारे यहाँ बार बार ये बात आती है विश्वास आस्था श्रद्धा, विवेकानंद कहते हैं कि जब तक तर्क से सिद्ध नहीं हो वो धर्म नहीं होता, और धर्म को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यक्षीकरण करना पड़ता है, उसको सामने प्रकट करना पड़ता है। इसका मतलब मुझे ये लगता है कि कुल मिलाकर के जो मैं समझता हूँ कि अब उपनिषदों में भी जो बात आई कि दो सुपर्ण हैं, वैसे तो ईशावास्यम सर्वमेदम शुरू में ही आ जाता है कि ईश्वर का आवास है, लेकिन एक कथा है उसमें दो सुपर्णों की, एक वृक्ष की डाली पर बैठ, सुपर्ण मतलब पक्षी, दो सुंदर पक्षी एक वृक्ष पर बैठे हैं, वो ऊंची डाल पर है कि नीची डाल पर है। जो ऊंची डाल वाला पक्षी है वो वृक्ष को देखता है, वृक्ष
उसके पत्तों को देखता है, उसके फल को देखता है, बस देखता ही है और कुछ करता नहीं है। और जो निचली डाल पर है वो पक्षी उस फल को खाता है, उसका आनंद लेता है और एक तरह से कहिए कि उसमें आसक्त होता है। जो ऊपर का पक्षी है वो ब्रह्म है, नीचे का पक्षी जो है वो आत्मा है। और हम जो इसके माध्यम से उपनिषदकार कहना चाहता है कि एक दिव्य तत्व है, आप उसको सारे और नाम भी ब्रह्म है और जो भी रखना चाहें, एक दिव्य है तत्व है जो इस सृष्टि के विभिन्न चैतन्य अचैतन्य लेकिन अदिव्य तत्वों में माया में प्रकृति में फंस गया है, उसकी गांठ बंद गई है। तुलसीदास ने भी कहा ना कि उसकी ये जो गांठ पड़ गई है उस गांठ को खोलने का प्रयत्न ही धर्म इसकी आवश्यकता है। कृष्ण जो कहते हैं कि इस गांठ से कृष्ण ने अर्जुन को पूरी सृष्टि का भी रूप बतलाया, व्यक्ति का रूप भी बतलाया और फिर ये भी कि इससे मुक्त होने का तरीका क्या है, एक है कर्म, दूसरा है ज्ञान और भक्ति, भक्ति ज्ञान और कर्म। लेकिन ज्यादा बल मुझे लगता है कि कर्म पर है। भक्ति का मतलब कि भक्त क्या, भक्त किसको कहते हैं? अगर आप भक्त की सचमुच उसके लक्षणों पर जाएं तो वो सारे लक्षण भगवान के लक्षण हैं। जो लक्षण भगवान के बताए जाते हैं वही लक्षण भक्त के हैं। यानी भगवान बन जाना, उसके साथ इतना तादात्म्य कर लेना, उसके जैसा हो जाना, उसी तरह से हो जाना, यानी प्रकृति को अपने भीतर से निकाल करके केवल आत्मा रह जाना, वो भक्ति है। और ज्ञान तो आप जानते हैं कि सब कुछ जान लेने से, जब आप जान लेते हैं, हम लोग तो बहुत कुछ जान करके भी नहीं मानते, पर जो वहाँ उनकी बात है जो जान करके उसको मान लेते हैं। तीसरा है कर्म। मुझे लगता है कि कर्म की बात आयुष जी ने भी की कि वस्तुतः कुछ नहीं है, जो कुछ आप करते हैं उसी का फल भोगते हैं। अब यहाँ पर बंधन में बंधने की जो बात है वो कृष्ण कहते हैं कि जन्मांतर बात है, कि आप जो कुछ करेंगे उसका फल पाने के लिए, फल भोगने के लिए दूसरा जन्म होगा। इसे इसको कहा गया भव सागर। ये संसार जो है ये सागर है और उसमें हमेशा कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई तकलीफ रहेगी। अगर आपको इस जन्मांतरवाद से, अगर आपको आवागमन से, आने और जाने से मुक्त होना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा और कर्म वो होना चाहिए जो सात्विक कर्म है, जो सात्विक कर्म है और दूसरे को कष्ट नहीं देना वाला वगैरह वगैरह। आप कर्मों की बात जानते हैं। मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय कृष्ण गीता का आरंभ करते हैं उस समय अर्जुन का गांडीव उसके हाथ से गिर जाता है और वो कहता है कि मैं इनको नहीं मारूंगा, ये मेरे सब भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे संबंधी हैं, नहीं मारूंगा। तो अगर अहिंसा को धर्म माना जाए तो नहीं मारना चाहिए। अमर्त्य सेन ने कहा कि कृष्ण ने युद्ध करवाया और इतने लोगों को मरवाया, इसलिए मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर कृष्ण ये युद्ध ना करवाते तो उतने लोगों की मृत्यु नहीं होती, उतने जीव बच जाते। बड़ा अच्छा तर्क है, लेकिन सोचा जाए कि उस समय जब अर्जुन के हाथ से धनुष गिर गया और उसने ये कहा कि मैं भिक्षा मांग कर भी जीवन यापन कर लूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे नहीं मारना है, तो कृष्ण ने क्या कहा? अगर उनको लगता कि यही अच्छा मार्ग है तो कहते चले एक कटोरा मैं लेता हूँ, एक चूल्हे और दोनों भिक्षा मांगते हैं और जीवन यापन करते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उनका क्लीव है, नपुंसक है, तू उठा धनुष और प्रहार कर। क्यों? क्योंकि ये भी मोह है, बंधन है, ये तेरे
तत्व है उसमें अगर ये तत्व जो सड़ा हुआ है, अगर धर्म अधर्म के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाएगा तो अधर्म का शासन होगा, दुर्योधन का शासन। इसलिए आत्मरक्षा, अपना परिवार रक्षा, स्वदेश रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, इसके लिए शस्त्र भी उठाना पड़ता है क्षत्रिय को। इसीलिए धर्म मानते अपने प्राणों पर संकट झेल करके असहाय लोगों की रक्षा करना, राक्षसों से उनको बचाना, ये भी धर्म है, ये भी त्याग है, ये भी तपस्या है। उसमें अगर वो अपने प्राण दे देता है तो वो स्वर्ग हो जाता है सीधा। इसलिए ये भी एक प्रकार की तपस्या है। अतः कर्म करना आवश्यक, जहां कर्म करना है वहां पर ये सब बातें बनाना ये मोह है कि मैं भिक्षा मांग लूंगा। अरे कर्म नहीं करेगा भिक्षा मांग लेगा। कोई भी आप अपना कर्म करते हैं, नौकरी भी छोड़ के भिक्षा मांगने चले जाएंगे तो उससे बात नहीं बनेगी, कर्म तो करना ही होगा। इसलिए लेकिन कर्म के स्वरूप को समझना आवश्यक है जिससे फिर से पुनर्जन्म न हो और आपको कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाए। कर्म बंधन से मुक्त हो जाना ही उसका धर्म है। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि एक तो सांसारिक रूप में शुरू में हमने धर्मों की, बहुत सारे विभिन्न धर्मों की, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रथाओं की, विभिन्न चीजों को धर्म माना, लेकिन मूल चीज ये है